वेलकम टू माय चैनल अलीज़ा किचन। तो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बचे हुए चावल का टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता, जो कि उसके लिए यहाँ मैंने एक कप चावल ले लिए हैं। इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इन चावलों को मैश कर लेना है, तो आप ऐसे हाथों से अच्छे से मसल लीजिए इसको। चावलों को मैश कर लिया है। अब उसी कटोरी से उबले हुए आलू ले लेंगे। तो अगर आप मेजर करेंगे तो ये दो आलू हैं। जिस कटोरी से आप चावल लें उसी कटोरी से आप ये बॉईल करा हुआ आलू ले लें। ये भी ऐड कर देंगे इसी में। अब साथ में इसमें ऐड कर देंगे आधा कटोरी हरा धनिया, चार हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, एक टीस्पून अमचूर पाउडर, एक टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, हाफ टीस्पून साबुत ज़ीरा और हाफ टीस्पून अजवाइन, हाफ टीस्पून चाट का मसाला। अब ये सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू और चावल और मसाले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही अच्छा सा एक डो बना लेना है। आप इसको मसल मसल के अच्छे से हाथों से इसका एक डो तैयार कर लें। तो देखिए सारे मसालों के साथ आलू और चावल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें और अच्छी बाइंडिंग लाने के लिए हम ऐड कर रहे हैं आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब आलूओं को कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कॉर्नफ्लोर के साथ भी सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये एक बहुत अच्छा डो बन के तैयार हो गया है। अब हाथों में तेल को अप्लाई करेंगे। एक छोटा सा पोर्शन उठा लेंगे। आपको जो भी डिज़ाइन बनाना हो आप वो बना सकते हैं। मैं इसका ऐसा डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए ये देखिए मैं इस टाइप से इसका डिज़ाइन बनाऊंगी। आप चाहें तो गोल या जो भी आपको जैसा भी अच्छा लगता है आप उस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ऐसे ही जितना भी डो है उसके सारे ऐसे ही कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सारे कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे और एक इसका घोल तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाएंगे और ना ही पतला घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप घोल बनाएं इसका। तो देखिए इतना पतला घोल तैयार कर लेंगे। चम्मच में इतना थिक होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब यहाँ मैंने ले ली है 3 से 4 टेबल स्पून सूजी। तो एक कटलेट को उठाएंगे और मैदे में डिप कर देंगे ऐसे। देखिए ऐसे डिप कर देंगे और डिप करने के बाद सूजी पे रख के इसको कोट कर देंगे सूजी से। ये देखिए ऐसे कोट कर देंगे और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारे ही कटलेट को ऐसे ही करेंगे। पहले मैदे में डिप करेंगे ऐसे और फिर सूजी में कोट कर देंगे इसको ऐसे। बस ऐसे करके आप सारे ही कटलेट को बना के रख लें। तो देखिए मैंने सारे कटलेटों को कोट कर दिया है मैदे और रवे में। अब चलिए करते हैं इनको फ्राई। ये यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस तेल को मीडियम ही गरम करना है। तो तेल गरम हो गया है। अब इसमें एक एक करके कटलेट ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। और अभी इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, 2 से 3 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलाएंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए इनको फ्राई करते हुए। अब इनको पलट देंगे। इनमें हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, ये देखिए। अब इनको सबको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको सेक लेंगे गोल्डन कलर होने तक, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बनके ये तैयार हो जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो देखिए अब इनमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको निकाल लेंगे।
तो लीजिए, बनकर तैयार है बचे हुए चावल का कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसको अपने बच्चों के टिफ़िन में रख के दीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा ये और हेल्दी भी है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।